कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके साथ हम लड़ते झगड़ते हंसी मजाक करते उन्हें चिढ़ाते रहते हैं, लेकिन जब वो दूर जाने लगते हैं ना तो दिल टूट सा जाता है, आँख भर आती है और याद आने लगती है वो पुरानी बातें। तो उस दिन हमारे कॉलेज में फ्रेशर्स और भाईजान की फेयरवेल पार्टी थी और भाईजान को कॉलेज से विदा करने दो लोग आ रहे थे। एक हमारे आसाम के ऑफिशियल मामा, अरे वही अपने हीमू मामा, और साथ में उनकी प्यारी सी भांजी दीपलीना डेका भी आ रही थी। दीपलीना आने की खुशी में चिकना हुआ जा रहा है, पर किसी कारण से हमारे मामा जी आ नहीं पाए तो उन्होंने अपनी प्यारी सी भांजी को ही भेज दिया। प्रेजेंटिंग यू गुले गुलजार जाने बाहर आसाम के हर जवा दिल की धड़कन द ऑफिशियल क्रश ऑफ आसाम दीपलीना डेका, और हाँ पद्मश्री दुलाल मान की, एंड ऑल्सो हम दो भाई। ना हो रहा है, हम तो है ही पैदाइशी चिकने, तो अभी हम जाएंगे तो इनविटेशन मिल चुका है, ये देखो मेरी नाम का। हाँ ठीक है, अभी हम लोग जाएंगे, मजा करेंगे। वी आर रेडी, कांडो गया है उधर, तो देखो कैसा लग रहा हूँ, हैंडसम लग रहा हूँ? हाँ, क्योंकि मुझसे मिलने इतनी दूर से दीपलीना आ रही है, तो भाई हैंडसम तो लगना ही पड़ेगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस 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 करो बस करो। तो पहुँच गए कॉलेज, भाई साहब हमारे साथ, नया नया शादी है, शादी मुबारक भाई साहब। अभी बस कॉलेज में घुसने की देरी है, बड़ा सुंदर सुंदर लग रहा है कॉलेज अपना। ठीक है तो चलिए चलते हैं। तो आज नतुन आमार नतुन प्रजन्म नतुन यूट्यूबार एजनक लग पाइछो बर्तमान, आरो मोर আচ্ছা পাপাৰ পাপাৰ মই ডেফিনেশ্যন দি দিওঁ, মই ড্ৰামা কৰিছিলোঁ, মোৰ ড্ৰামাত বেটি হৈছিলে, সেইটো কাৰণে পাপা পাপা কয়, দেই বেলেগে কোনো বুজিব। वैसे कुछ लोग हमें कहते रहते हैं कि भाई तुम लोग सिर्फ हिंदी में व्लॉग करते हो, एसएमएस में क्यों नहीं? तो भाई तुमको मैं बता दूं कि हम ऑलराउंडर हैं और हम नहीं चाहते कि हमारा व्लॉग सिर्फ आसाम वाले ही देखे, बाकी समझदार के लिए इशारा ही काफी है। चल रहा है। तो यहाँ का सीन ये है कि यहाँ पे हमारे कॉलेज का जो सॉन्ग है उसकी प्रैक्टिस चल रही है। और एक सीक्रेट बात बताऊं, किसी से मत कहना, ये जो कोर्ट में इंसान खड़े हैं ना, ये हमारे प्रिंसिपल हैं। फेयरवेल पार्टी की शुरुआत हमारे कॉलेज के फ्लैग और यूनियन के फ्लैग को फहरा कर हुई। तो मेरा है फेयरवेल, सुबह से आके बैठा हूँ यहाँ पे और मिले हैं मेरे कुछ दोस्त लोग यहाँ पे। हाय एवरीवन, हाय बोलो ना, क्या इंसल्ट कर रहा है तुम लोग मेरा? तो अभी शायद कोई आए नहीं है, मेरे दोस्त लोग एक दो कुछ आए हैं, बस अभी मैं ही हूँ। वैसे उस दिन प्रोमिस डे भी था तो हमने भी थोड़ी प्रोमिस कर ली। आज प्रोमिस डे पे हम लोग प्रोमिस करते हैं कि ये दोस्ती हम सभी कभी नहीं। आज दीपलीना आ रही है, कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है, पर मैं नहीं देख पाऊंगी। आपको फीलिंग प्राउड? और कोई कुछ बोलेगा? आज दीपलीना आ रही है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? गलतियाँ। और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अंजलि बोलो। नो कमेंट्स। सेनल हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। किसी महापुरुष ने कहा है कि बड़े बड़े व्लॉगर्स के साथ कभी कभी कुछ छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं। थैंक यू सर, ये सब होता है व्लॉगर्स के साथ, टूट जाता है दिल भी, ये भी। जुगाड़ हम लोगों के भाई को देखो, ये आईडी कार्ड किसका है वो दिखाओ पहले। आईडी कार्ड ये मेरा है, ये देखिए,
इसमें क्या नाम लिखा है पढ़ो जरा। अरबाज का आईडी लेके ये कॉलेज का लड़का, मोरियनी कॉलेज का लड़का, दोनों में कॉलेज का एड्रेस में घुसा। एंड फाइनली द पार्टी बिगिंस विद आवर कॉलेज सॉन्ग, और थोड़ा खट्टा सा, मीठा सा, प्यारा सा, वही हर स्टूडेंट की मनपसंद स्पीच। हाँ, उस दिन हम भी थोड़ा वॉलेंटियर बने फिर रहे थे, सब एनएसएस की मुहिम आया है। आ रहे हैं मेरे कुछ दोस्त, तो ये लोग अंदर आने के लिए शर्मा रहे हैं, तो मुझे लाने जाना पड़ रहा है इन लोगों को, कुछ ज़्यादा ही शर्मीले हैं। और ये हमारे फोन एन भाई साहब, चलो अलग विशेष व्यक्तियों को लाई चलो हूँ। हमारे बड़े बड़े वीआईपी लोग आ चुके हैं, चलिए चलिए मैम लोग, चलिए चलिए। अरे दिखा दो अपना चेहरा, अभी शर्मा के क्या होगा, इन लोगों को अंदर जाने में शर्म आ रही है। अरे ग्रेजुएट हो गया और क्या चाहिए। सो আমাৰ ইয়াত এতিয়া গান গোৱা ভণ্টিজনী খুব ভাল গান গালে। নামটো কৈ দিয়া। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ডিকি হুমাল, মই ডুমডুমা মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ তৃতীয় ষাণ্মাসিকৰ ছাত্ৰী। আৰু মোৰ বিষয় কিবা এটা কৈ দিয়া। জাহিদা আচলতে ফাৰ্ষ্ট কেতিয়া লগ পাইছিলোঁ তোমাক, ৱাল পেইণ্টিং কৰোঁতে হঠাৎ, এইটো মানে সদায় মোৰ মনত থাকি যাব। আৰু মানে কি হ'ল, মই ঘৰত যাব লৈছিলোঁ আৰু পাৰ্টনাৰ লাগে পেইণ্টিং কৰিবলৈ, পাৰ্টনাৰ লাগে তুমি কৰানো বুলি বহুত ভাল। আৰু और फाइनली ये रहे पद्मश्री दुलाल मान की, उनको हाल ही में भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री अवार्ड मिला है। बाकी उन्हीं से सुन लेते हैं उनके बारे में। मेरे साथ है सर दुलाल मान की सर और पद्मश्री। हाँ, यहाँ कह सकते हो कि भाईजान की यहाँ पे थोड़ी सी जबान फिसल गई थी। सर कुछ कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहूँगा, ये मेरे कॉलेज धुंधवा महाविद्यालय, इसमें मैं पढ़ता था वंस अपन ए टाइम्स, जब ईयर्स 1983-84 में, और यहाँ से पढ़ाई किया और बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं हुआ हमारा लाइफ में, बहुत स्ट्रगल थे तो नहीं हुआ। और अभी प्रभावजन में हम रहते हैं और ऐसे ही सिंपल आदमी है मैं तो, कुछ ऐसा नहीं। अभी मैं तो एक कल्चर लेके हूँ, मेरे जो ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक है जुमर है, उसको लेके मैं हूँ, अभी वो गाता हूँ, बहुत से गाना मैं गाया। कभी कभी मुझे भारत सरकार ने मुझे भारत संगीत इसको जुमर सम्राट कांग्रेस के टाइम में मुझे दिया गया, मैं जुमर सम्राट बोलते हैं मुझे। उसके बाद मैं स्टार जोनल कल्चर सेंट्रल PZCC से मुझे दिया गया है, गुरु शिष्य परंपरा मैंने किया और अभी मुझे किया है गुरु ऑफ झुमैर। अभी इस टाइम में 2021 में मुझे भारत सरकार की तरफ से मुझे दिया गया है पद्मश्री। तो मुझे नहीं मालूम ये क्या हो रहा है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब थोड़ा गाना भी सुन लेते हैं, थोड़ा माहौल बनाते हैं। हमारी रजिया सिद्दीकी आज गाना गाएंगी, उनकी जगह गाओ। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कई गुजारे, मुझे आपका गाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। भाईजान की फेयरवेल पार्टी को थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं, क्योंकि मुझे और मेरे दोस्तों को बहुत जोरों की भूख लगी थी, तो हम चले कुछ खाने। आ गया है जाने बाहर गुले गुलजार हमारा चाउमीन। हम जरा आए थे यहाँ पे चाउमीन खाने, चाउमीन आ चुका है, चाउमीन मोहतर माने पार्टी बिल्कुल नहीं किया। उधर हम चाउमीन खा रहे थे और इधर भाईजान कचौड़ी। टू मच फन।
और जब झूमर सम्राट दुलाल मान की आए ही हैं तो उनका गाना ना सुन के और उनके गाने पे डांस ना करके कैसे जा सकते हैं। और जब झूमर का माहौल बन ही गया है तो कौन टीचर कौन स्टूडेंट, सब मस्त मौला मस्त मगर डांस करने में बिजी। ऑफिशियली हम लोगों का फेयरवेल हो चुका है, सर ने हमारा फेयरवेल दे दिया है। सर आओ, इफ यू डोंट माइंड। ये हमारे नए प्रिंसिपल सर, हमारे न्यू कॉलेज के और हमारे जो दुमदुमा कॉलेज के प्रिंसिपल। और जब भाईजान कॉलेज को अलविदा कहकर जा ही रहे हैं तो सर लोग से थोड़ी गुफ्तगु भी हो ही जाए, थोड़ा खुद के बारे में और थोड़ा उनके। थैंक यू सर। थैंक यू प्रिंसिपल। तो अभी फिलहाल मेरे साथ है मेरे स्पोकन इंग्लिश के सर, जो कि शायद सर मुझसे भी छोटे हैं लेकिन मेरे सर है ना सर? हाँ शायद। हाँ मेरे से एक साल छोटे हैं लेकिन मेरे सर है, लेकिन बहुत हेल्पफुल है सर। मैं अभी जितना मतलब इंग्लिश सीखा हूँ, सर और मैम भी है, मैम से बाद में मिलवा रहा हूँ। और ये हमारे नए सर साइंस में ना जूलॉजी डिपार्टमेंट में नए आए हैं। सर कुछ बोलना चाहेंगे मेरे बारे में? सर हाँ वही बोलना चाहूँगा, जाहिर बहुत अच्छा लड़का है, मतलब अभी आप लोग तो सिर्फ चैनल में देख रहे हैं, मुझको पर्सनली मतलब मैं पहचानता हूँ ना, बहुत अच्छा लड़का है। इसका चैनल और बढ़ाइए, आप लोग प्रमोट कीजिए और भी अच्छा अच्छा कॉन्टेंट देता ही रहेगा, ये मुझको इतना भरोसा है इस पर। साहिब से थैंक यू सर। तो मेरे साथ है वनश्री बाइलुंग, जो कि बहुत अच्छा गाना, अरे वनश्री के लिए उसने बहुत अच्छा गाना गाया, बहुत अच्छा लगा। तो वनु मेरे बारे में कुछ बता दो। अपना मर्जी जाहिद अमी क्लास मोर क्लास 9 था गोटे ट्यूशन सेंटर लग पा, सो बहुत केयरिंग बहुत स्वीट होय। थैंक यू। आरो वो बहुत भाल पार्टनर होय, आरो इमाने केयरिंग होय लेकिन लेकिन भूल जाती है ये मुझे, वो घर तोय वाली ही घर ले जाए, सो बहुत थैंक यू। एकरने और तार YouTube चैनल तो सबने सबो लाइक करबो, सब्सक्राइब करबो, तार मोर पेज बिजी आसे सब तलो दे दि, बहुत दुनिया के गान गाए किंतु আর কি কম মানে ভাল লাগি যায়। আজি মূর কারণ ইমান ধুনিয়া গান গালে ইচ্ছে ভাল লাগিলে। থ্যাংক ইউ। আবি মে মিলা হু অমল সে, মেরা বচপন কা হি দোস্ত হে, তো বহুত আচ্ছা গানা গানা বাজাতা হে, গিটার বাজাতা হে, বহুত আচ্ছা, কবি ইসকা দেখনা বড়া মস্ত হে, মতলব। হ্যালো গাইস, तो हमारे साथ है हमारे दो प्यारे सर और तीसरे भी है हमारे हिस्ट्री डिपार्टमेंट के। सर लोग अपना इंट्रो खुद देंगे, मैं नहीं दूंगा, नहीं तो सर लोग सर बता दीजिए कुछ देगा। मैंने अभी तो अखमिया कम तो कौक अपने जी इच्छा ये हमारे मणिज्य महंत सर डिपार्टमेंटर हेड, मैं दिजेन शर्मा हिस्ट्री डिपार्टमेंटर और ये हमारे समृद्ध ऑफिसर। थैंक यू। तो सर लोग के बारे में एक बात बोलूँगा, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। हम लोग मालिनी थान गए थे, जो वीडियो आप लोग देखा होगा, तो नहीं देखा तो इधर भी है नीचे भी है, देख लीजिएगा। और मतलब बहुत मज़ा किया हम लोगों ने। और अगर एक एक सीक्रेट बता रहा हूँ, किसी को मत बताना, सर को अगर पटाना है तामुलपान एक खिला देना, सर ऐसे ही पट जाएंगे, ठीक है? हमारे जो मधिजो महंत सर है बहुत अच्छा गाना गाते हैं, अभी हमारे लिए एक गाना गाएंगे, नहीं खास करके मेरे लिए गाएंगे और जितने जिसका फेयरवेल हो चुका है ऑफिशियली उनके लिए भी सर एक गाना। थैंक यू वेरी मच। आई वुड लाइक टू प्रेजेंट ए ऑल हिंदी सॉन्ग व्हिच वाज सांग बाय मोहम्मद रफी, ए लेजेंडरी सिंगर, एंड जस्ट आई एम ट्राइंग टू प्रेजेंट हियर। बहरो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, बहरो मेरा
महबूब आया है। बस थैंक यू सो मच सर। फिलहाल तो महबूब नहीं जा रहा है, आ नहीं रहा है। थैंक यू सो मच सर। कन्या हत हाय हेलो इपने दुजनी आहा ना, दुजनी हन आहा ना, आहा ना। अच्छा শুনা না, তোমালোকে মোৰ বিষয়ে কিবা ক'ব বিচাৰিবা? মোৰ বিষয়ে কোৱা না। নিজে নিজে সাবস্ক্রাইব কৰিব কয় আৰু ভিউজ লাগে বুলি কয়। হয়, থ্যাংক ইউ। मेरे साथ है हमारे सबसे प्यारी, हमारी कॉलेज की सबसे प्यारी मैम, हिरोइना मैम। सब लोग इनसे डरते हैं लेकिन मैं नहीं डरता, बहुत प्यार करते हैं। मैं नहीं डरता, मतलब बहुत प्यार करती हैं मैम हमसे। तो मैम कुछ बताना चाहेंगे अपने तरफ से? कुछ क्या बताओ अभी? कुछ भी मेरे बारे में बता दीजिए, कॉलेज के बारे में, अपने बारे में। जाहिद जो है वो सबसे बहुत बदमाशी करता हूँ कॉलेज में। थैंक यू मैम। और आप लोग इसे इनसे डरना नहीं, कुछ भी सवाल हो डायरेक्ट मैम से पूछना, मुझसे मत पूछना, बहुत तकलीफ होती मुझे आगे। थैंक यू मैम। तो भाई दीपलीना की आने के खुशी में कुछ इस तरह की ये नहीं है? तो आएगी तो उसके लिए सारे इंतजार कर रहे हैं। इधर देखिए और इधर फ्रेशर्स भी चल रही है। কুমুদ পছন্দ কৰিব নাই? মোক কৰিব, মোক কৰিব। एंड फाइनली हमें जिसका इंतजार था वो आ गई। तो अब बातें बंद और झूमना शुरू करते हैं। भाई सीन ऐसा है कि बिजली चली गई है, स्टेज भी सब कुछ खाली हो चुका है, बस हम लोग हैं। तो ये भी है, मैं भी हूँ, इससे मैंने मोबाइल लिया फ्लैश के लिए। तो अभी क्या करते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। और फ़ायदा नहीं बोल के, बहुत कुछ हुआ है। थोड़े भाई सबका क्रश है, आया है तो सबको ही बदमाशी भी किया, बहुत हुआ है। तो अभी बस यहीं तक। तो बस यही थी हमारी भाईजान की फेयरवेल स्टोरी। बाकी हम है राही ब्लॉगिंग के, फिर मिलेंगे इन्हीं YouTube की गलियों में ब्लॉगिंग।
करते करते।